अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। सो अब हम मैथ की क्लास 10 की बुक पढ़ रहे हैं, आज यूनिट 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में उन्हें काफ़ी मसले हो रहे हैं, तो हम जो है वो आपकी सारी क्वेरीज दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नो यानी ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, और गोनो मतलब एंगल्स, और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। तो हम यहाँ पर थ्री एंगल्स की मेजरमेंट्स करते हैं। यहाँ पे एंगल क्या होता है? दो रेज जो कंसाइड कर रही होती हैं एक पॉइंट पे, तो वो एंगल बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। इसमें हमारे पास टर्मिनल साइड होता है और इनिशियल साइड होता है। इनकी मेजरमेंट इनके डायरेक्शंस पर डिपेंड करती है कि किस तरफ ये एरोज मूव कर रहे हैं, तो हम उसी तरफ जो है, जैसे यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ये एरो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है, ये एरो इस साइड मूव कर रहा है, ये एरो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हम इसके डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन। अच्छा, एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले कहा है कि आप कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन द डेसिमल फॉर्म। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 32 डिग्री 15 बार। अब ये बार आप मुझे बताइए क्या चीज़ है, ठीक है। अब आपको तीन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीन बेसिक चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले 1 degree is equals to 60 minutes, ठीक है, 1 degree is equals to 16 minutes, और इसको हम क्या लिखेंगे? बार की फॉर्म में। सो दिस बार इज रिप्रेजेंटिंग मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? 1 minute, 1 minute के में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो ऑल यू नो इज 60 seconds होते हैं एक मिनट में, सही है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल बार से, तो दिस डबल बार इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड्स, दिस डबल बार इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक है, 1 degree is equals to 3600 seconds, ठीक है, यानी कि 3600 seconds होते हैं टोटल एक डिग्री में। अच्छा, 1 degree is equals to 3600 seconds होते हैं, सही। अब आपने यहाँ पे ये तीन चीज़ों को बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेना है कि 1 degree में 60 minutes होंगे, 1 minute में 60 seconds होंगे, जो कि डबल बार से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और 1 degree में अगर हम सेकेंड्स की बात करें तो 3600 seconds होंगे। अब आपको अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है, 32 डिग्री और 15 आपके पास ये सिर्फ मिनट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने 32 को सेपरेट कर लेना है, डिग्री रिप्रेजेंट करनी है, प्लस लिखना है इन दोनों के दरमियान, और 15 मिनट्स लिखने, सही है, ये दोनों आपने सेपरेट कर लिए। अब आपने यहाँ से ये वाला पॉइंट पिक करना है, ये वाला, कि आपको कन्वर्ट किस में करना है? मिनट्स को डिग्री में करना है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहे थे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, ठीक है, और फिर उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या करना है? मिनट से डिग्री में जाने के लिए आपने डिवाइड बाय 60 करना है, ठीक है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 60 कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिवाइड बाय 60 करें, 32 डिग्री इसको एज इट इज़ लिखें, और 15 को आप कर दें डिवाइड बाय 60, सही। 15 डिवाइड बाय 60 कैलकुलेटर से आपके पास आ रहा है 1.4, यानी कि 0.25, ठीक है, 0.25 आ रहा है आपके पास। आप 0.25 मेंशन करें यहाँ पर, प्लस 32, यहाँ पे डिग्री ज़रूर लिखनी है आपने, क्योंकि आपने कन्वर्ट किया है डिग्री की फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद आपने 32 में प्लस कर देना है 0.25, विच विल भी 32.25 आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर से बता दिया टाइप के, कोई परेशानी ना हो, और ये आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पे डिग्री रिप्रेजेंट करनी, क्योंकि दो बोथ वर द इन डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू की साइन को मेंशन करेंगे सब जगह, सही है। अच्छा, अब आपके पास बुक में लिखा हुआ है कि हो सकता है कि ये डेसिमल्स जो हैं वो और ज़्यादा आ सकते हैं, तो आपने इनको कितने तक राउंड ऑफ करना है? ये बुक में लिखा हुआ है, ये देखें, राउंड ऑफ अप टू 2 decimal places, यानी यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 decimal places होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 10 degree 30 minutes, ठीक है, 10 degree आपने वैसे ही लिखनी है, प्लस लिखना है,
30 मिनट्स। मिनट से आपने किस में जाना है, मिनट से आपने जाना है डिग्री में, तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 60 करनी है। तो 30 डिवाइड बाय 60 आपने इसकी जगह पे मेंशन करना है, 30 डिवाइड बाय 60 प्लस क्या आ जाएगा, उसको आप चाहें तो इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिग्री है। 30 डिवाइड बाय 60 विल बी 1/2 यानी 0.5 आएगा। 30 डिवाइड बाय 60 इज़ आपका क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है, 0.5 आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, सही है। और ये आ गया आपके पास 10.5, मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ये देखें 10.5 आ रहा है, सही है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, बुक से चेक कर लेते हैं आंसर। 30.1 का ये देखें, 31.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 32.25 यही आया था और 2 का भी 10.5 आया है। नेक्स्ट अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखें, इसमें आपके पास 3 पोर्शंस दिए हुए हैं। 3 पोर्शंस में आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले डिग्री मेंशन की हुई है 8 डिग्री, देन 50 मिनट्स मेंशन किया हुआ है और उसके बाद 30 सेकेंड्स मेंशन किए हुए हैं। अब आपको इन तीनों को सेम एक यूनिट में करना है, वो कौन सी है, डिग्री में, ठीक है, डिग्री में करना है। एक तो पहले से मेंशन है डिग्री, इसको ऐसे ही लिख दें, देन उसके पास आपके पास क्या दिया हुआ है, मिनट्स दिया हुआ है, तो मिनट्स को आपने करना है डिग्री में। उसके लिए क्या करना है, मिनट्स को आपको डिग्री में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना है, तो डिवाइड बाय 60 आ गया आपके पास यहाँ पे, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में करके डिग्री मेंशन कर दें, देन आपके पास है 30 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स को डिग्री में करने के लिए आपने मेंशन करना है ये वाला पॉइंट, ये देखें, ये लिखा हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अब आपको सेकेंड से डिग्री में जाना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सही है। तो 3600 से आपने जो भी वैल्यू है यहाँ पर उसको डिवाइड कर देना है, तो 30 को डिवाइड किससे करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से, सही है। अब हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं जल्दी से, 15 डिवाइड बाय क्या करना है आपने, 60 करना है, विच विल बी 0.25, यहाँ पे आपने 0.25 डिग्री मेंशन किया, 8 डिग्री पहले से लिखा हुआ था आपके पास, देन आपके पास है 30 डिवाइड बाय 3600, सो इट विल बी, अच्छा ये जो है आपके पास डेसिमल्स में एक्सपोनेंट में आ रहा होगा, इसको आप कर लें पॉइंट्स में, आपको देखें 8.33 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना है 0.0123, ठीक है। आपने क्या करना है, 8 से पहले 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है, और 3 टाइम्स पॉइंट शिफ्ट करना है 1, 2, 3, तो आपके पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 0.008 आ जाएगा आपका डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर से हमने कन्वर्ट कर लिया, तो जी प्लस 0.008, ठीक है। अब आप सबको प्लस करना है 8 प्लस 0.25 प्लस 0.00 ओके एंड 8, सो दिस इज़ द आंसर 8.258, ओके 8.258। आपको अब बोल रहे थे कि 2 डेसिमल्स तक आपने राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, आप ये पॉइंट भले मेंशन कर दें, और जब यहाँ पे आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू होती है, राउंड ऑफ का रूल ये है कि जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो ये जो है वो इसको हम एलिमिनेट करते हैं और इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 8.26, ठीक है। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए आंसर आपके पास 30.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8.25 डिग्री आ रहा है, तो मेरा आंसर भी यही आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 45 डिग्री, 21 आपका मिनट आ गया, ठीक है, और 36 आपके सेकंड्स आ गए, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हम रिकॉल करते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे तो फिर आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखें डिग्री आपने मेंशन कर दी, प्लस मेंशन कर दिया, 21 को आपने मिनट को कन्वर्ट करने के लिए किस में करना है, डिग्री में करना है, डिवाइड बाय 60,
अच्छा, अब उसके बाद हमने 60 से डिवाइड कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 36 को आपने डिवाइड करना है किससे? आपने सेकेंड्स यानी सेकेंड्स को मेंशन करें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिवाइड बाय 3600। तो 3600 से डिवाइड किया आपने, और यहाँ डिग्री मेंशन करें। जितनी बार आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी बार ये चीज़ों को मेंशन करें, इससे आपको ये कोई अलग से बैठ के याद नहीं होगा रट्टा। तो आप क्या करें, इसको मेंशन करेंगे तो ख़ुद ही याद हो जाएगी ये सब चीज़ें। ठीक है, आ जाएं, आप कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 21 डिवाइड बाय 60, 21 डिवाइड बाय 60 इज़ 0.35। 0.35 मेंशन करें, डिग्री ज़रूर मेंशन करें। यूनिट्स के अलग मार्क्स होते हैं, अगर ये चीज़ें ना दी जाएं तो फिर वो मार्क्स कटते हैं इन सब चीज़ों के। ठीक है, 36 को आपने 3600 से डिवाइड करना है एंड इट इज़ 0.01। ठीक है, 0.01 और डिग्री मेंशन कर दें। अब इन सब चीज़ों को प्लस कर लें, प्लस 45 प्लस 0.35। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 45.36 डिग्री। ठीक है, 45.36 डिग्री। अच्छा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखें, 45.36 डिग्री आ गया, सही है। अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4-5 पर। 25 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, सो 25 ऐसे ही रहेगा बिल्कुल सेम, इसको आपने टच नहीं करना, प्लस मेंशन करना है। और मिनट्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके आपने जाना है डिग्री में, डिवाइड बाय 60 करें, वही काम करना है बार बार। ठीक है, 60 कर दिया आपने, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? ये इसका इक्वेलेंट होता है 0.5, तो 0.5 प्लस 25 डिग्री, ये आ गया आपके पास 25.5। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेट। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट वन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, 18 डिग्री। 18 डिग्री है, 6 मिनट है और 21 सेकेंड्स है, सही है। अब 18 डिग्री 6 प्लस मेंशन करें, 60 से डिवाइड करना है मिनट को, और उसके बाद 21 को डिवाइड किससे करेंगे हम? 3600 से। 3600 से मेंशन किया हमने, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लें जल्दी जल्दी, 6 डिवाइड बाय 60 विच विल बी 1/10 आएगा, 0.1। ठीक है, 18 डिग्री प्लस 0.1, और 21 को आपने डिवाइड करना है 3600 से। 21 को आपने 3600 से डिवाइड किया, कैलकुलेट कर लेंगे, और आ गया आपके पास 5.8 एक्सपोनेंट -3। अब कैलकुलेटर से अगर इस तरह आ रहा है तो 5.8 एक्सपोनेंट -3 को आप चेंज कर लें, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लगाएं, 1, 2, 3, माइनस होता है तो हम लेफ़्ट साइड पर जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? 0.0058 मेंशन करना चाह रहे हैं तो कर लें, 0.0058। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लें, 0.0058 प्लस 0.1, और इसमें आपने प्लस करना है 18 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 18.1058। ठीक है, 18.1058। ठीक है, 2 वैल्यूज़ तक राउंड ऑफ करना है, तो 18.10 अगर मेंशन करेंगे तब भी ठीक होगा। ठीक है, आंसर हम चेक कर लेते हैं, आंसर आप चेक कर लें बुक से, लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। ये देखें, 18.11 लिखा हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा? देखें, 8 है, 8 इसको 1 प्लस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर 5 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो अपने सेकंड वाले नंबर को 1+1 कर देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये इसको प्लस 1 करा तो क्या बन गया? 18.106। ये इसको प्लस 1 करेगा तो क्या बन जाएगा? 18.11। सो योर आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ विल बी 18.11 डिग्री। ठीक है, होप। अच्छा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 पर 2 पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर इस दौरान आप लोगों को कोई भी कुछ समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।